हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड दिस इज़ संतोष एंड आई होप आपका MCO04 अच्छा हुआ होगा एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग MCO05। MCO05 के ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था अभी रिसेंटली, तो उसके अंदर हम लोगों ने यूनिट 1 कवर किया था एंड लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। सो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग कॉस्ट को बेसिकली 5 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, देन ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, देन वेरिएबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। तो इस तरीके से 5 बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वी कैन हैव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे 4 टाइप के कॉस्ट हो गए फंक्शंस को लेके। ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन वी हैव इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओके। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी वी कैन हैव फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसे 3 टाइप के कॉस्ट हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएशन। देन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट, ये इनफैक्ट बहुत आसानी से लर्न भी हो जाएगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग वी हैव अगेन 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। जैसे डिफरेंशियल कॉस्ट इज द रिजल्ट ऑफ द चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। एंड द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट मे बी ड्यू टू चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन सेल्स वॉल्यूम एंड लाइक दैट। लाइक दैट संक कॉस्ट इज दिस कॉस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम पास्ट एक्सपेंडिचर एंड इट कैनॉट बी चेंज्ड नाउ एंड द मैनेजमेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर सच कॉस्ट। एंड संक कॉस्ट के एग्जाम्पल्स में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स विच वी आर परचेज्ड ऑन अ प्रीवियस डेट एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी हैव स्टडीड दैट इन इकोनॉमिक्स टू, that the cost incurred by sacrificing one product for the other, so that is called opportunity cost, okay। तो ये बात हो गई different types of cost and let's talk about what is cost unit, okay। cost unit and cost center, ये आपको short notes में दे सकता है, इतना important नहीं है, लेकिन फिर भी आपको as a knowledge you must know about this, that cost unit or cost center क्या है। कॉस्ट यूनिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट सेंटर। नाउ इट इज़ द लोकेशन, पर्सन और इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट मे बी असर्टेंड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। एंड दिस कॉस्ट सेंटर्स मे बी ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज अ प्रोसेस कॉस्ट सेंटर, देन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो इस तरीके के 4 कॉस्ट सेंटर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एंड लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स। नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। एलिमेंट्स हम लोग जानते भी हैं, द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल्स, लेबर, एक्सपेंसेस। नाउ मटेरियल्स अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सिमिलरली लेबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्सपेंसेस ऑल्सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ओके। सो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज वी नो मोर और लेस अबाउट दिस। देन वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। नाउ ये थोड़ी सी नई चीज़ है आप लोगों के लिए, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। इसके अंदर जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, इस तरीके से लाइक देर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग्स दैट वी स्टडी अबाउट, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग में इन दिस मेथड कॉस्ट आर एसर्टेंड एंड फॉर ईच जॉब और वर्क सेपरेटली, ओके। And this method is suitable for printing, repair, construction industries. Like for every job we require, we do a job costing. And in contract costing, generally it is the cost, the costing done for the whole of the contract or project. And in batch costing, generally it is done for the batches, the different batches जो हम लोग use करते हैं, like in garments or pharmaceuticals, generally जो production होता है वो batches में होता है। तो फॉर ईच बैच वी फाइंड आउट द कॉस्ट। एंड देन आफ्टर यूनिट कॉस्टिंग, इन दिस मेथड वी जनरली फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, राइट। सो दैट इज यूनिट, यूनिट मीन्स 1। देन वी हैव प्रोसेस कॉस्टिंग, जनरली द टोटल प्रोसेस लाइक विच वी आर यूजिंग इन द प्रोडक्शन,
So what will be the costing of that process? So it's very simple to define if you know the main point. Okay, then operating costing, again it is related with operations, right? Operation costing, like the whole operation कितनी cost होगी उसकी, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं. Then let's move on to financial statements. Financial statements generally हम लोग accounts में इसको पढ़ते ही हैं, ठीक है. Financial accounting is all about financial statements and main objects क्या होते हैं इसके, to help in making investment and proper financial decisions, to estimate future cash flow, to know the net worth or financial position of the company, to provide fair wages, job security conditions and all that, to provide for taxes, subsidies and all that. तो ये सब होता है. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट्स हम लोग तैयार करते हैं, वी नो अबाउट दिस, ठीक है, पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. तो इस तरीके से चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं एंड इसको आप डिटेल में डिस्क्राइब करके, लाइक कौन सा अकाउंट डेबिट में जा रहा है, कौन सा क्रेडिट में जा रहा है, तो वो एक्सपेंड करके हम लोग इसका आंसर बना सकते हैं, ठीक है. नाउ कम्स टू द यूजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. एज वी नो दैट जनरली हम लोग इसके लिए फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिट या लॉस या फिर फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी, तो ये दो चीज़ के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी लाइक इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन्स, एम्प्लॉयज डिसीजन्स. तो देर आर लॉट ऑफ डिसीजन्स विच आर बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको आप लोगों को लर्न करना है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स. जनरली दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टन पीरियड. ओके, दे डू नॉट रिवील द ट्रू पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज, सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक. दे आर नॉट रियलिस्टिक, जनरली प्रिपेयर्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय द अकाउंटिंग, बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सो दे आर नॉट रिलायबल, ठीक है. दिस स्टेटमेंट्स ओनली टेल अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी ऑन अ पर्टिकुलर डेट. तो ट्रू पोजिशन कंपनी का कभी हम लोग एक पर्टिकुलर डेट पर अराइव नहीं कर सकते, तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम. देन दे आर हिस्टोरिकल इन नेचर. तो ये जो लिमिटेशंस हैं एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशंस मोर और लेस सिमिलर हैं, तो अगर आप लोग उनको लर्न कर लिए तो दिस विल बी इजी फॉर यू. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्लॉक टू यूनिट फाइव. ये चैप्टर है रेशियो एनालिसिस पे. अब इसके ऊपर सम्स हो सकता है आएगा एंड लेकिन अगर थ्योरी आ गई तो ठीक है, वेल एंड गुड. थ्योरी भी थोड़ा सा देख लेते हैं. वॉट इज रेशियो एनालिसिस? Now it is a process of computing, determining and explaining the relationship between the different components of financial statements in terms of ratio. Financial statements ko ratio mein hum log convert karte hain by using ratio analysis and that they will use different types of ratio, right? Class 12 mein hum logon ne padha hai inke bare mein, like liquidity ratio, solvency ratio, activity turnover ratio. To like is video mein iske last mein रेशियो के ऊपर जितने भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं दैट आई विल शेयर विथ यू. सो उसके ऊपर आप लोगों को सम्स प्रैक्टिस भी करना है, राइट. जो इम्पॉर्टेंट सम्स हैं वो हो सकता है मैं आपको कल वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा. देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी लेवल एंड ऑल दैट. तो ये सारी चीज़ें हमें रेशियो से क्विकली मालूम चल सकती है. एंड प्रोजेक्शंस, फ्यूचर प्रोजेक्शंस, एस्टिमेट्स, ये भी जनरली रेशियो को लेके किए जाते हैं. एंड द एरियाज लाइक विच नीड मोर अटेंशन, तो ये चीज़ों को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रेशियो एनालिसिस. तो ये तो हो गई उसके ऑब्जेक्टिव्स. एडवांटेजेस भी मोर और लेस यू नो सेम, लाइक कंपेरिजन में हेल्प करता है, एनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दैट इज वो हेल्प कर सकता है रेशियो. Then efficacy of decisions, whether the decisions are true, correct, up to the mark or not. So that also we can find out. And तो ये सारे हो गए advantages. इसके limitations में financial statements may not reveal the true state of affairs. So the ratios also not provide the true picture of the organization. And it completely ignores the changes in the price levels. So that is one of the drawback. दे डू नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटेटिव, ठीक है. ये हमारे वो अकाउंटिंग में भी थे. तो मोर और लेस लिमिटेशंस अगर एग्जाम्स में आता है लिखने के लिए तो यू नो मोर और लेस ये सिमिलर ही है, ठीक है. तो एक बार आप जो लिमिटेशंस हैं, एक बार वो जो मेरे पहले वीडियो में जो लिमिटेशंस हमने बताए थे, तो यू कैन गो थ्रू दैट, लर्न देम
so that you can also define other limitations. So now comes to the last topic, and that is cash flow statement. Now cash flow statement क्या होता है, ठीक है, important question है, इसके ऊपर numerical बन सकता है, फिर भी theory भी अगर आएगी तो you can write it down. Cash flow statement shows the inflow and outflow of cash and cash equivalents from various activities of a company during a specified period. Cash का inflow और outflow ये हम लोग पता कर सकते हैं by cash flow statement. And the main object of preparing cash flow statement is to find out how much cash flows out or in an organization or during a particular period of time. So, and generally हम लोग तीन type के cash flow statement होते हैं. That means there are three parts. One is cash flow from operating activities, then cash flow from investing activities and financial activities. तो इस तरीके से तीन steps में हम लोग cash flow statement बनाते हैं. And what are the advantages? It helps to evaluate the changes in the net assets of an organization, and it is helpful in assessing the ability of the enterprise to generate cash and its equivalents, and it helps to compare the different financial data and all that. So ye to ho gaya friends jo important question the, and in the first video jo maine aap logon ko share kiya tha wo tha what is accounting, objective of accounting, then interested users, the different branches of accounting, then ये तीनों branches को define करना, उनके importance, functions, limitations. तो ये चीज़ें हम लोग कर चुके हैं first video में, cost accounting, management accounting. तो ये था, और जो first video में जो सबसे important चीज़ थी वो थी concept, accounting concept, ठीक है. तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस बनता ही बनता है, या फिर शॉर्ट नोट्स में डाल सकता है. तो ये आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं. सो लाइक जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, दैट थ्योरी पार्ट, वो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम वन में कर चुके हैं, एंड वॉल्यूम टू का जो वीडियो है आई विल शेयर यू टुमारो अलॉन्ग विथ कुछ न्यूमेरिकल्स, वो भी हम लोग वर्कआउट करेंगे. राइट, सो प्रिपेयर वेल, बेस्ट ऑफ लक.